मैथ्स विद शूट में आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम ग्रेड एट्थ के चैप्टर सिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स स्क्वायर रूट्स अमूमन कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा था मेरे क्लास में तीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं विहान अनविता और कबीर लास्ट क्लास में हमने तीन तरीकों से सीखा था एक था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक था हमारा ट्रिक मेथड ट्रिक मेथड में खास बात ये थी कि सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को ही हम फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में खास बात ये थी कि वो नंबर्स जो कि छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं उसको प्राइम फैक्ट्रेशन करना आसान होता है लेकिन अगर कोई बड़ा प्राइम नंबर है और उसका प्राइम फैक्ट्रेशन करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है वो नंबर प्राइम है कि नहीं ये भी फाइंड करना अपने आप में एक महाभारत है तो वहाँ पर निकल के आता है एक और तीसरा तरीका जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड और जब हम लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालते हैं परफेक्ट सोल्यूशन निकल जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नहीं कैसा भी स्क्वायर हो कैसा भी स्क्वायर हो उसका डेसिमल तक हम निकाल लेंगे जितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस में हम आगे जाएंगे उतना ही उस नंबर के हम और करीब जाते जाएंगे लेकिन उस नंबर तक नहीं पहुंचेंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को यस yes, ओके okay. तो अब हम क्या करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड के मैंने कुछ होमवर्क दिया था शायद लास्ट क्लास में दिया था क्या यस yes, सर कौन सी एक्सरसाइज दी थी होमवर्क सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री ओके सिक्स पॉइंट थ्री ए तो फटाफट से इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं किस किस ने नहीं किए पहले बता दो ईमानदारी से नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है पर मैं जानना चाहता हूँ कि किसी के पास टाइम नहीं मिला होगा या कोई है जिसने करी ही नहीं बिल्कुल सबने करी है सबने मैंने ने मैंने होमवर्क तो किया इतना तो ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं वट कुड बी द द पॉसिबल डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ओके सो पहले वाले का कौन बताएगा अनविता डिजिट पॉसिबल क्या हो सकती है कबीर आप बताओ वन और नाइन वन और नाइन पर असल में किसका स्क्वायर है ये नाइनटी नाइन का याद है कि नहीं यस yes, ठीक है अच्छा दूसरा कभी विहान बताओ बेटा नाइन नाइन एट फाइव सिक्स नाइन नाइन एट फाइव सिक्स ये किसका स्क्वायर होगा किसका मतलब इसकी डिजिट क्या होगी या तो फोर होगा या तो सिक्स फोर और सिक्स वेरी गुड ठीक है थर्ड क्वेश्चन टेल मी अनविता बी द यूनिट डिजिट ऑफ नाइन नाइन डबल एट, एट 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 जीरो जीरो, जीरो वन? वेरी गुड यूनिट डिजिट विल बी वन और नाइन ओके फोर्थ क्वेश्चन बताओ यूनिट डिजिट तो सिंपल है क्या होगी फाइव वेरी गुड अन्विता आपने होमवर्क किया था क्या चलो क्वेश्चन नंबर टू देखो विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बताओ बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में क्या नहीं होते कौन कौन से नंबर नहीं होते टू थ्री सेवन एंड एट लास्ट वाला एक है। हाँ ये भी नहीं होगा ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका है ट्वेंटी वन का समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन नंबर थ्री ये क्वेश्चन हम ओवन एग्जाम में आते नहीं है लेकिन हम इसको कर लेते हैं ठीक है इसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए आराम से हो जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले बोल रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ टेन एंड वन सिक्सटी नाइन बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किसको आता है ये मेथड आता है कबीर बताओ क्या करेंगे हम इसमें तो, आ, हमें से सब करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हंड्रेड माइनस वन कितना हो जाएगा नाइन्टी नाइन माइनस थ्री कितना हो जाएगा नाइन्टी सिक्स माइनस फाइव नाइन्टी वन माइनस सेवन एटी फोर माइनस नाइन एटी फोर में से नाइन गया कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव माइनस इलेवन कितना हो जाएगा सिक्सटी फोर माइनस थर्टीन कितना हो जाएगा फिफ्टी वन माइनस फिफ्टीन थर्टी सिक्स माइनस सेवेंटीन नाइनटीन माइनस नाइनटीन इजिकल टू ज़ीरो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो ये किसका स्क्वायर है हंड्रेड इजिक्वल टू टेन स्क्वायर क्योंकि फर्स्ट टेन ऑड नंबर्स के सम के बराबर है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ फर्स्ट टेन ऑड नंबर समझ में आ रहा है कि नहीं yes, sir. इसी क्वेश्चन में बेटा 169 आ जाएगा 169 माइनस वन वन माइनस थ्री फिर क्या आएगा वन सिक्सटी फाइव माइनस सेवन वन फिफ्टी एट माइनस नाइन वन फोटी नाइन कहाँ पे गलत हुआ uh, 165 -7. Hmm. कितना होता है 153. 153 होता है so, मैं एक है. वे पगला हो क्या? <laughs> so, मैंने कुछ गलत आठ सात पंद्रह होता है 158 -9, 149, 149 -11 करेंगे कितना होगा माइनस थर्टीन वन ट्वेंटी थ्री सर आपने फाइव ओके बहुत बढ़िया हेलो अभी ठीक है वन सिक्सटी वन माइनस सेवन कितना हो गया वन फिफ्टी फोर माइनस नाइन सिक्सटी वन कैसे यार ये तो वन सिक्सटी हो जाएगा वन फिफ्टी थ्री माइनस नाइन तो कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर माइनस इलेवन कितना हो जाएगा फोर्टी फोर में सेलेवन गए थर्टी थ्री थर्टी थ्री में से थर्टीन गए वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन हंड्रेड एंड फाइव माइनस सेवेंटीन कितना हो गया हंड्रेड एंड फाइव माइनस सेवनटीन तो ट्वेंटी माइनस किया तो एटी फाइव एटी सेवन एटी सेवन एटी एट एटी एट माइनस एट नाइनटीन तो ये हो जाएगा सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी वन करेंगे तो कितना बैठेगा फोर्टी एट फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो तो ट्वेंटी फाइव है यानी कितने हो गए ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स का हाफ कर दो थर्टीन तो हम बोलेंगे बिकॉज इट इज फर्स्ट थर्टीन ऑड नंबर्स समझ में आ रहा है अनविता आर यू गेटिंग इट बेटा विहान यस सर लिख लो इसको ऐसे ही फटाफट से हो जाए तो बताना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट शुरू के पंद्रह मिनट में हम पूरी शीट सॉल्व करेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे आज ये चैप्टर खत्म है हो गया यस yes, ओके okay. इन क्वेश्चंस को देखते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है क्वेश्चन कह रहा है फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ तो पहलेम फ्राइेशन करेंगे वेरी गुड सबसे पहले हम क्या करेंगे प्राइम फैक्ट्राइशन और प्राइम फैक्ट्राइजेशन आप लोगों का अब मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि प्राइम फैक्ट्रेसन को कैसे जल्दी करते हैं प्राइम फैक्ट्राइशन को कैसे जल्दी करते हैं तो देखो 252 है मुझे पता है 52 किसकी टेबल में आता है फोर की तो मैंने लिखा फोर इंटू फोर सिक्स जाए ट्वेंटी फोर और फोर थ्री जाए ट्वेल्व नाइन सिक्सटी थ्री नाइन की टेबल में आता है नाइन सेवन या सिक्सटी थ्री अब आप बोलोगे सर फोर और नाइन तो प्राइम नंबर है नहीं मैं मैं बोलता हूँ कि बेटा मुझे पता है वो प्राइम नंबर नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि वो किन प्राइम से मिलकर बनेगा तो टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू सेवन समझ में आया सिंपल है अब पेयरिंग देखो बेटा यहाँ पेयरिंग हो गई यहाँ पेयरिंग हो गई ये नहीं है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए सेवन से समझ में आ रहा है कि पेयरिंग किसकी सेवन की भी तो चाहिए बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो सेवन इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच टू फिफ्टी टू शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर अनविता आर यू गेटिंग इट यस सर ओके अब कोई पूछेगा ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फिर से उसका स्क्वायर रूट न फाइंड करने लग जाना स्क्वायर रूट एक एक नंबर उठा लेना तो अंडर रूट टू फिफ्टी टू इंटू सेवन यही तो था तो एक टू उठा लो एक थ्री एक सेवन उठा लो टू थ्री या सिक्स सेवन या फोर्टी टू समझ में आया कि नहीं आया कहीं तुम फिर से सेवन से मल्टीप्लाई करो और फिर से स्क्वायर रूट निकालने लग जाओ ये पागलबंदी वाले काम नहीं करना दिमाग लगाना है जल्दी से हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन देखो वन एट्टी वन एट्टी का प्राइम फैक्ट्रेशन देखो कैसे करेंगे ध्यान से देखना मैं यहाँ तुम्हें दिखा भी रहा हूँ सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको नाइन से नाइन टू जा नाइन जीरो जा ट्वेंटी को लिख देंगे बच्चों फोर फाइव जा नाइन क्या होता है थ्री स्क्वायर फोर क्या होता है टू स्क्वायर इंटू फाइव किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक फाइव से और अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको तो इसमें फाइव स्क्वायर भी आ जाता तो हम लिखेंगे फाइव इज द स्मॉलेस्ट नंबर सेम कहानी स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वन एटी शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर जिसका पेयर नहीं है उसी का पेयर बनाना है तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ वन एट्टी इंटू फाइव निकालना है तो क्या होगा एक थ्री एक टू और एक फाइव हो जाएगा थ्री फाइव जो फिफ्टीन टू जै थर्टी तो स्क्वायर रूट क्या आएगा उस नंबर का थर्टी बोलो समझ में आ रहा है कबीर yes, कबीर कुछ नया सीखने को मिल रहा है क्लास में बोलो ये टेक्निक समझ में आई है कि नहीं मुझे कौन बताएगा वन डबल जीरो एट को किससे डिवाइड करना चाहिए हमें टू से मत बोल देना कोई टू और थ्री बोला तो मैं मारूंगा उसे बताओ एट प्लस वन कितना होता है नाइन तो किसकी टेबल में आएगा नाइन वन जा नाइन टेन नाइन वन जा नाइन एटीन नाइन डू जे एटीन ट्वेल्व किसकी टेबल में आएगा आखिरी के टू डिजिट अगर डिवाइड होते हैं किससे डिवाइड होते हैं फोर से ठीक है फोर फोर टू जाए एट फोर एट जाए थर्टी टू फिर से किससे डिवाइड होगा फोर से फोर सेवन या ट्वेंटी एट अब कोई ये मत बोलो कि सर ये आपने नाइन और फोर से क्यों किया बेटा नाइन जो है थ्री का स्क्वायर है फोर टू का स्क्वायर है ठीक है तो नाइन को मैंने लिखा थ्री स्क्वायर फोर को मैंने लिखा टू स्क्वायर एक और फोर को लिखा टू स्क्वायर इंटू सेवन सो सेवन इज द स्मॉलेस्ट नंबर ओके विच इज मल्टीप्लाइड विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1008, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ रहा है कि नहीं स्क्वायर रूट उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर फाइंड मत करने लगे जाना, स्क्वायर तो पूछा ही नहीं ऑल्सो फाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ सो ऑफटेंड तो स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं क्या है पर स्क्वायर रूट हमें पता है एक थ्री आएगा एक टू आएगा एक और टू आएगा एक सेवन आएगा तो थ्री टू जाए सिक्स टू जो ट्वेल्व सेवन जाए एटी फोर बोलो समझ में आया कि नहीं चलो अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ कि टू जीरो टू एट को हम किससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले कौन बताएगा so, कर तो मत देना होगा बताओ seven? Seven से हो जाएगा पागल पहले सेवन से पहले कौन से प्राइम नंबर है टू है टू से होगा नहीं थ्री से चेक किया Yes, okay. स्क्वायर स्क्वायर तो तो यानी हमें क्या क्या मिल गया 2 13 3. तो आंसर में आएगा थ्री इज द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाई टू जीरो टू एट टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर और नंबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ टू जीरो टू एट इन टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो हमें एक टू मिल जाएगा एक थर्टीन मिल जाएगा एक थ्री मिल जाएगा थ्री टू जय सिक्स थर्टीन सिक्स जय सेवेंटी एट तो स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा उसका सेवनटी एट बोला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा

कौन से वाले क्वेश्चन में जस्ट अभी वाले के इसके पहले वाले या किसी के भी, भी? किसी भी ठीक है तो चलो अगले में ध्यान देना ठीक है पहले अगले में ध्यान दो देखो अगला नहीं आएगा तो फिर पिछले जाएंगे मुझे बताओ बेटा फिफ्टी एट किसके टेबल में आता है पहला प्राइम नंबर बताओ हमें प्राइम नंबर चेक करने होते हैं टू थ्री फाइव सेवन लेवन थर्टीन इन नंबर्स को चेक करना है अगर आपको जल्दी से मिल जाता है फोर या नाइन ऐसे नंबरों से डिवाइड होता है तो फटाफट -फड़ से यूज कर लेना है तो जरा चेक करते हैं किसकी टेबल में आएगा टेबल में सर कह क्या आपने भी बेटा मैंने 8 1, 9 किया और फोर प्लस फाइव नाइन किया नाइन का डिविजिबिलिटी रूल आपने सीखा है मुझसे नहीं सीखा होगा नाइन का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है पता है आपको सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय नाइन है ना अरे अनम्यूट तो हो जाओ पहले यस यस सर सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 9 तो मैंने उस नंबर को देखते ही पहचान लिया कि वो किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से nine. तो मैंने 9 से डिवाइड करना शुरू किया बेटा अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं ध्यान से देखना मैं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन कर रहा हूं तो 14 को 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा वन कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा फाइव वो फाइव फाइव के साथ बन जाएगा फिफ्टी फाइव नाइन सिक्स है फिफ्टी फोर वो वन और एट मिलके एटीन बन जाएगा नाइन टू या एटीन बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया वन फोर फाइव एट को जब मैं नाइन से डिवाइड कर रहा हूँ तो देखो कैसे डिवाइड होता है नाइन वन या नाइन यहाँ फाइव फिफ्टी फाइव हो गया नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर एटीन हो गया नाइन टू जा एटीन यही तो आएगा वन सिक्सटी टू क्वेश्चन लिखते ना यहाँ पे yes, समझ में आया ये hmm, हाँ, सर। उसके बाद फिर से सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन नाइन से डिवाइड हो जाएगा नाइन वन जन नाइन नाइन एट जा सेवेंटी टू फिर एक से डिवाइड हो जाएगा नाइन से नाइन टू जा तो अब ध्यान से देखना बच्चे वन फोर फाइव एट था इसमें जो पहला वाला नाइन है उसको क्या लिखेंगे बेटा थ्री स्क्वायर दूसरे वाले नाइन को भी क्या लिखेंगे थ्री स्क्वायर तीसरे वाले नाइन को भी क्या लिखेंगे थ्री स्क्वायर और चौथा क्या बच गया टू टू अकेला बच गया ना बाकी सबके तो स्क्वायर है तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू से ही तो करेंगे तभी तो टू का स्क्वायर भी बन जाएगा ये बात समझ में आ रही है कबीर yes, तो हम लिखेंगे टू इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वन फोर फाइव एट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो देखो कैसे करेंगे वन फोर फाइव एट जो था इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम टू से ही इसी से तो कर रहे थे तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वन फोर फाइव एट की जगह हमने क्या लिखा बेटा थ्री स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू टू इंटू टू एक टू ये भी है यहाँ से यहाँ तक तो वन फोर फाइव एट है और एक टू और है तो बेटा इन सब के स्क्वायर रूट को निकालेंगे तो एक थ्री बाहर आ जाएगा एक दूसरा थ्री बाहर आ जाएगा तीसरा थ्री बाहर आ जाएगा चौथा टू बाहर आ जाएगा तो थ्री थ्री जय नाइन थ्री टू जय सिक्स नाइन सिक्स जै कितना हो गया फिफ्टी फोर तो स्क्वायर रूट क्या बना इसमें फिफ्टी फोर बोलो अभी समझ में आया कि नहीं आया yes, कबीर पक्का समझ में आया तुमने इस तरीके से नहीं किया होगा तुमने नहीं पहले नहीं नहीं से तो अपना तरीका तो मैं बताता हूँ तुम्हारा अपना तरीका बताता हूँ मैं तुमने सबसे पहले प्राइम फ्रैक्ट्रेशन किया होगा टू से डिवाइड करना शुरू किया होगा yes, जब टू से तुम डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लगता है उसमें आप सोचो अगर तीन नाइन में काम निपट गया मेरा तो अगर आप थ्री घुसाते तो छः बार में करते कि नहीं करते कितनी बार में करते उसका फैक्टराइजेशन छः बार में करते क्योंकि एक नाइन में दो तीन होते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं तो जब भी आप डिवाइड करो आप थोड़े से बड़े नंबर ले लो क्योंकि हमें पता है कुछ नंबरों के स्क्वायर और क्यूब हमें पता है तो हम उन नंबर से डिवाइड कर लेते हैं हमारा आंसर जल्दी आ जाता है अनविता बेटा आप मुझे एक बार हामी भर दोगे सर यहां तक समझ में आ गया यस सर पक्का सर ओके अगला क्वेश्चन क्या है बेटा चलो इस क्वेश्चन को कबीर से ही करवाएंगे कबीर मुझे बताओ सेवन सिक्सटी एट को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं टू और थ्री मत बोलना टू थ्री तब बोलना जब फोर और नाइन या ट्वेंटी फाइव से ना हो बोलो फोर हो, हो सकता है क्योंकि सिक्सटी एट है ना सिक्सटी एट फोर की टेबल में आता है सेवनटीन फोर या सिक्सटी एट तो सेवन सिक्सटी एट भी हो जाएगा अब सेवन सिक्सटी एट को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सबसे पहले सेवन को डिवाइड करेंगे तो फोर वन या फोर कितना रिमाइंडर बचा बताओ सेवन में से फोर माइनस करोगे कितना आएगा थ्री और सिक्स मिलके क्या बन जाएगा थर्टी तो यानी कितना बन गया फोर नाइन या थर्टी सिक्स फोर टू एट वन नाइन्टी टू वन नाइन्टी टू को फिर से किससे डिवाइड कर देंगे फोर से फोर फोर या सिक्सटीन फोर एट या थर्टी टू फिर से फोर्टी एट को किससे डिवाइड कर देंगे फोर से फोर ट्वेल्व जा इसको किससे कर देंगे फोर से फोर थ्री जा अब देखो दो फोर मिल गए दो फोर और मिल गए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना फोर स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू थ्री ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं yes, sir. तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि हम ये स्क्वायर बन जाए थ्री से समझ में आ रहा है कि नहीं देर फोर थ्री इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच सेवन सिक्सटी एट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर अच्छा स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर का तो स्क्वायर रूट ऑफ सेवन सिक्सटी एट इंटू थ्री यही तो होगा तो सेवन सिक्सटी एट का स्क्वायर रूट क्या है फोर स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू थ्री ये सेवन सिक्सटी एट है और इंटू थ्री तो दो थ्री है दो फोर है दो फोर है तो हम इसका स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे एक फोर बाहर आ जाएगा एक फोर दूसरे से बाहर आ जाएगा एक थ्री बाहर आ जाएगा फोर फोर जाए सिक्सटीन थ्री जाए फोर्टी एट समझ में आया अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया yes, sir. अगर डिवाइड करने को बोलते इन्हीं क्वेश्चनों में तो भी आंसर सेम होता लेकिन स्क्वायर रूट चेंज हो जाता स्क्वायर रूट में एक लास्ट वाला नंबर कम हो जाता अगला क्वेश्चन है मैं चाहूंगा इसे तुम लोग करो फटाफट फड़ से अनविता sure. चलो योर टाइम स्टार्ट छह क्वेश्चन है फटाफट फड़ से प्राइम फैक्टराइजेशन करो सेम मेथड है बस इस पर डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूं छह मिनट का एक मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए कबीर तुम्हारा हो गया तो तुम सीधे आंसर बता सकते हो तो मतलब पहले बार है। नहीं अभी फिर से कर लो फिर जो नया तरीका है ना आंसर चेक कर लेना समझ में आ रहा है ना कैसे करना है पूरा नहीं करना है कोशिश करो बड़े बड़े नंबर लो पहला वाला जैसे फोर से डिवाइड हो जाएगा नाइन से भी हो जाएगा पहला वाला नाइन से भी हो जाएगा ध्यान रखना एक मिनट हो गए एक मिनट का एक क्वेश्चन है बस तीन मिनट हो गए स्पीड बढ़ा लो हो गया अप पहले का आंसर क्या है बेटा बताओ कौन बताएगा विहान बताओ। पहले का आंसर क्या आया? सर क्या है क्या पहले का आंसर मतलब आपको बताना है सबसे पहले वो कौन सा नंबर है जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अच्छा तो उसको है? टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और सेवन फिर सेवन से मल्टीप्लाई से करना तो मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड पूछ रहे इसमें अच्छा डिवाइड तुम तो सवाल ही नहीं पढ़ रहे हो ऐसे ही आगे हो क्या फोर नाइन नाइन सेवन तो किस से डिवाइड करेंगे? करेंगे और स्क्वायर रूट क्या बनेगा उस नंबर का सिक्स फोर्टी टू फोर्टी टू कैसे बनेगा तो मिला अबे जब तुम डिवाइड कर दोगे तो सेवन तो गायब हो जाएगा अरे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे काके मल्टीप्लाई अच्छा। करते तो फोर्टी टू होता अच्छा। अब तो सेवन गायब हो गया ना सिक्स हो गया आंसर हाँ। समझ में कबीर अब बताओ सेकंड का क्या आएगा बेटा तो थर्टीन से डिवाइड करना है और तो आंसर विल बी स्क्वायर टू नाइन टू फाइव को आप बोल रहे से डिवाइड करेंगे टू नाइन टू फाइव को हम थर्टीन से डिवाइड करेंगे तो टू ट्वेंटी फाइव आएगा जो कि फिफ्टीन का स्क्वायर है बहुत सही करेक्ट वंडरफुल एक सेकंड ठीक है थर्ड क्वेश्चन अनविता यू टेल डेलमी व नंबर बाई विच थ्री नाइनटी सिक्स मस्ट बी डिड वेरी गुड इज द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर वेरी गुड विहान क्वेश्चन नंबर फोर का बताओ क्या आ रहा है आंसर कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा सेवन सेवन है क्या सबका मेरे ख्याल से तो फाइव आ रहा है सर मैंने स्टार्टिंग में उसको फोर हंड्रेड से डिवाइड कर दिया था किसको फोर हंड्रेड से कर दिया सर आप कौन सा वाला पूछ रहा हो क्वेश्चन नंबर फोर पूछ रहा हूँ अच्छा है आप कौन दो मिनट सर दो मिनट नहीं है अनविदा आप बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर को हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला उसका थोड़ा जोर से बोलो बेटा ट्वेंटी थ्री तो स्क्वायर रूट निकला है That's पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बेटा ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू फाइव तो आंसर क्या बना फाइव

फाइव से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली वेरी गुड और स्क्वायर रूट क्या बनेगा एटीन स्क्वायर वेरी गुड सबको समझ में आ गया क्वेश्चन यस सर ओके अगला क्वेश्चन करते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ ऑफ ए स्कूल डोनेटेड रुपीज टू फोर जीरो वन इन ऑल फॉर प्राइम फिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द्लास यानी वह स्क्वायर है किसके स्क्वायर टू फोर जीरो वन बनता है तो मुझे बताओ बच्चों की टू फोर जीरो वन है वन को देख के क्या लग रहा है वन और नाइन का स्क्वायर है ट्वेंटी फोर किसके स्क्वायर से छोटा है फोर के तो ये या तो फोर्टी वन का स्क्वायर है या फिर फोर्टी नाइन का स्क्वायर है मुझे बताओ फोर्टी फाइव का स्क्वायर कितना होता है टू जीरो टू फाइव तो टू जीरो से कम है तो किसका स्क्वायर है ये फोर्टी वन का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस yes, तो फोर्टी वन का स्क्वायर क्या होता है कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने नहीं, तो, सही है। नहीं बेटा गलत बता दिया देखो फोर्टी यहाँ ट्वेंटी है ट्वेंटी फोर है तो फोर्टी वन नहीं होगा फोर्टी नाइन होगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी से बड़ा है ना याद करो मैंने क्या बताया था फोर्टी फाइव के बाद आएगा फोर्टी सिक्स में ट्वेंटी वन फोर्टी सेवन में ट्वेंटी टू फोर्टी एट में ट्वेंटी तो फोर्टी नाइन का स्क्वायर ठीक है अनविता आर यू गेटिंग एट बोलो बोलो किसी को कोई डाउट है यस एक बार आप बेटा देखो उसने बोला क्वेश्चन पढ़ो चलो रीड करो क्वेश्चन कबीर पढ़ो क्वेश्चन एक सेकंड सो द स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इथ ऑफ अ स्कूल डोनेटेड टू फोर ज़ेरो वन इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड स्टूडेंट Each एक बच्चा होता मान लो क्लास में एक बच्चा होता तो कितना स्टूडेंट कितने पैसे देते एक रुपए मान लो क्लास <smart> में दो बच्चे होते तो हर बच्चा कितने पैसे देता दो रुपए पैसे कितने जमा हो जाते चार क्लास में तीन बच्चे होते तो हर बच्चा कितने पैसे देता तीन रुपए तीन रुपए तीन बच्चे तीन रुपए तो कितने पैसे जमा होते हैं नौ रुपए क्लास में चार बच्चे होते तो हर बच्चा कितने पैसे देता चार रुपए ठीक है अब हमें नहीं पता क्लास में कितने बच्चे हैं सो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स मान लो एक्स बच्चे हैं फिर अमाउंट डिनोटेड बाई एक्स स्टूडेंट्स अमाउंट डिनोटेड बाई एक्स स्टूडेंट्स हर आदमी ने हर बच्चे ने कितना पैसा जमा किया जितने क्लास में बच्चे थे रुपीज़ एक्स टोटल अमाउंट कितना हो जाता एक्स इन टू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर है ये टू फोर ज़ीरो वन के तो एक किसका एक्स कितना हो जाएगा अंडर वूड टू फोर ज़ीरो वन किसका स्क्वायर रूट है बताओ टू फोर ज़ीरो वन समझ में आया कैसे करना है मैं चाहता हूँ सब लोग कॉपी कर लो तुम लोग करो मैं पानी पी के आता हूँ सर आपने ये थर्ड लाइन में क्या लिखा है? बेटा पहले तो मुझे ये बताओ थर्ड लाइन है कौन सी ये वाली uh, ये वाली set. ये वाली ये वाली लास्ट वाली ये वाली uh. ये मैंने लिखा है बेटा अमाउंट डिनोटेड बाय एक्स स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट मान लो एक्स बच्चों ने एक्स एक्स रुपए जमा किए तो टोटल अमाउंट क्या हो गया एक्स इंटू एक्स ही तो हो गया yes. मान लो चार बच्चों ने दो दो रुपए जमा करते तो फोर इंटू टू होता तो यहाँ एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स की वैल्यू निकालनी तो अंडर वो टू फोर जीरो वन फोर्टी नाइन समझ में आ रहा है कि नहीं अनिता बेटा आपको आ रहा है समझ में अनिता बिल्कुल भी नहीं बोल रही है ओके yes, okay. चले आगे बढ़े। क्वेश्चन को लिखना भी आना चाहिए ठीक है अब एक और क्वेश्चन है ये देखो इसको

रोज इज इक्वल टू एक्स देयर फोर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच हर रो में कितने प्लांट्स हैं बेटा जितनी रोज है उतना ही है देखो लिखा है ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितने हो गए एक्स टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स टोटल प्लांट्स कितने हो गए बेटा एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव देयर फोर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू फोर्टी फाइव नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्टी फाइव लिखो फटाफट से समझ में आ रहा है बच्चों हेलो तो तुम में से किस किस की फेवरेट टीम पहुंच गई आईपीएल में प्लेऑफ में मेरी तो पहुंच गई देखता तुम देखते ही नहीं हो मेरी टीम तो चेन्नई सुपर किंग फेवरेट है वो तो पहुंच गई अब मेरी दूसरी फेवरेट है मुंबई तो अब देखते हैं मुंबई पहुंचती है कि नहीं पहुंचती मुंबई को दो मैच जीतने पड़ेंगे चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन yes, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है करते हैं इसको बोल रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाईविच नहीं दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर फोर नाइन एंड टेन एक नंबर जो फोर से भी डिवाइड है नाइन से भी डिवाइड हो रहा है एंड टेन से भी डिवाइड हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन तीनों से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं बेटा क्या आएगा फोर का टू स्क्वायर नाइन का क्या आएगा थ्री स्क्वायर टेन का क्या आएगा टू इंटू फाइव अगर मैं बोलूं इसका एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम सबसे पहले तो हम एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तीनों नंबर का फोर नाइन टेन का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा बेटा जो हाईएस्ट पावर होती है टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव समझ में आ रहा है कि नहीं टू स्क्वायर फोर से आ गया नाइन से थ्री स्क्वायर आ गया और टेन से फाइव आ गया तुम्हें तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें ऐसे समझ लो फोर नाइन और टेन को हम अगर ऐसे लिखेंगे तो टू टू जा फोर नाइन ऐसे ही रहेगा टू फाइव या टेन अब देखो तीनों को प्राइम नंबर ही हैं टू वन या टू नाइन और फाइव के लिए क्या आएगा थ्री थ्री या नाइन थ्री बन जा फाइव बन जा तो क्या आया दो टू दो थ्री और एक फाइव आया ना एल सी एम दो तरीके होते हैं एल सी एम निकालने के एक ये वाला तरीका भी होता है ये तो वैसे टेंथ में सीखते हैं लेकिन अभी छोड़ो तुम अभी के लिए फिलहाल तुम समझो कि इसी तरीके से तुमने ये निकाल लिया अब स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए सो तो क्या होगा फाइव इज द स्मॉलेस्ट नंबर

by the lcm of 4 9 and 10 to become a perfect square to become a perfect square to square kya banega square kya ban jayega beta 2 square into 5 square into 3 square to 2 or 5 square 10 square ho gaya aur 10 is 3 square ho gaya 9 to 10 square into 3 square yani 30 square yani ki 900 तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बेटा वो नाइन हंड्रेड बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बहुत प्यारा क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था yes, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे दिमाग खोल दिया उसने पहले हमने एलसीएम निकाला फिर एलसीएम में हमने देखा कि ये पेयरिंग बना किसकी पेयरिंग नहीं हो रही हमने देखा फाइव की पेयरिंग नहीं हो रही तो हमने सबसे पहले वो फाइव सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकाला जिसको उसके एलसीएम में मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब कि वही वो नंबर है जो उन तीनों की टेबल में आ जाएगा सबसे छोटे से छोटे नाइन हंड्रेड इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स फोर नाइन एंड टेन अगला क्वेश्चन सेम है और हमारी अप्रोच भी सेम रहेगी और मैं चाहूंगा अनविता इसको करने में हेल्प करे मैं देखूं अब तक अनविता को क्या समझ में अनविता टेलवी वट इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन वॉट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू वट वी हैव टू डू फाइंड एल सी एम ऑफ एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एट को क्या लिखते हैं बच्चे टू क्यूब फिफ्टीन को क्या लिखेंगे थ्री इंटू फाइव ट्वेंटी को क्या लिखेंगे टू स्क्वायर इंटू फाइव अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे टू की हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब थ्री की हाईएस्ट पावर क्या है वन फाइव की वन मल्टीप्लाई कर दो तो टू फाइव या टेन या फिफ्टीन थ्री या फाइव थ्री या फिफ्टीन ऐट जाए वन ट्वेंटी तो हम इसको ऐसे लिखेंगे टू स्क्वायर इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव बोलो समझ में आया कि नहीं इसी एलसीएम को मैंने इस तरीके से लिखा है टू स्क्वायर इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव क्यों ऐसे लिखा है क्योंकि जिसका पेयर मिल रहा है उसका तो स्क्वायर बना दिया जिसका पैर नहीं मिल रहा उसको अलग लिख दिया कबीर समझ में आ रहा है सबसे पहले बेटा हमने एलसीएम निकाला किसका एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी का चलो तुम निकालो अपने तरीके से बताओ मुझे क्या आ रहा है एलसीएम बताना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बताओ एलसीएम निकालो अपने हिसाब से कोई जल्दी नहीं है सभी बच्चे एलसीएम निकाल के बताओ क्या आ रहा है एलसीएम अगर इससे जुदा कुछ आएगा तो बताना टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव टू क्यूब फाइव एंड थ्री यही आया ना यस yes, सर मैंने भी यही लिखा है अब इस टू क्यूब में से मैंने टू स्क्वायर अलग निकाल लिया और एक टू अलग कर दिया और थ्री अलग कर दिया फाइव अलग कर दिया समझ में आ रहा है कि नहीं यस yes, सर इसकी पेयरिंग है इन तीनों की पेयरिंग नहीं है तो हम बोलेंगे देर फोर टू इंटू थ्री इंटू फाइव इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई एलसीम ऑफ एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि इसी के पेड़ तो नहीं है ठीक है तो नंबर क्या बन जाएगा देर फोर नंबर क्या बन जाएगा बेटा नंबर बन जाएगा टू स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर बोलो समझ में आया कि नहीं अगर मैं टू इंटू थ्री इंटू फाइव को उससे और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू स्क्वायर तो पहले से ही था और टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर और फाइव स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा yes, अब ये तो टेन स्क्वायर हो गया और यहाँ पे टू इंटू थ्री सिक्स स्क्वायर हो गया तो हमारा क्या हो गया ये सिक्सटी स्क्वायर कितना हो गया थर्टी सिक्स हंड्रेड देयर फोर थर्टी सिक्स हंड्रेड इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई किसके से डिविजिबल है एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फिर से ध्यान से सुनो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो इन तीनों नंबरों से डिविजिबल हो जाए मैं कहता हूँ स्क्वायर नंबर छोड़ो एक नॉर्मल नंबर बताओ जो तीनों की टेबल में आता है तो आप बोलोगे सर एल निकालेंगे मैंने बोला निकाल लो एल हमने एल निकाला लेकिन वो स्क्वायर नहीं बना वो स्क्वायर नहीं बना अब उसको स्क्वायर बनाना है तो सबसे छोटा स्क्वायर कैसे बना सकते हैं जिस जिस का पेयर नहीं हुआ है उसकी पेयरिंग कर देंगे उसकी शादी करा देंगे तो टू थ्री फाइव तीनों अकेले घूम रहे थे एक टू का तो पेयर था टू थ्री फाइव वाला घूम रहे थे तो हमने बोला कि भैया एक टू को टू का जोड़ा दे दो तीन को तीन का जोड़ा दे दो पाँच को पाँच का तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव से हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल्सियम की तो सबसे छोटा स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर क्या बनेगा वो निकालने के लिए भी क्या करना है सभी नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना उसके स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई करना है तो मैंने देखा टू स्क्वायर है एक और टू स्क्वायर है एक और थ्री स्क्वायर है एक और फाइव स्क्वायर है तो टू टू जै फोर फोर फाइव या ट्वेंटी थ्री या थर्टी सिक्स लास्ट में दो जीरो लगा दिए तो थर्टी सिक्स हंड्रेड वो सबसे छोटे से छोटा थर्टी सिक्स हंड्रेड इज द स्मॉलेस्ट नॉट ए नंबर बट ए स्क्वायर नंबर दैट इज डिजल बाई द नंबर एट फिफ्टीन एंड ट्वेंटी इज इट क्लियर कबीर वट अब यू विहान एन अनविदा अनविता व्हाट अबाउट यू बेटा ओके फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड नंबर टेन स्क्वायर हंड्रेड थर्टी वन नाइन सिक्सटी वन विच इज द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नाइन सिक्सटी वन क्या है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद अगला स्क्वायर स्मॉलेस्ट है स्मॉलेस्ट फोर डिजिट परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटेस्ट फोर डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नाइनटी नाइन का स्क्वायर है सो वट कैन वी से अबाउट द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इफ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए थ्री डिजिट और ए फोर डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर थ्री डिजिट से लेकर फोर डिजिट के बीच में अगर है तो स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा टू डिजिट का होगा कैन यू टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए फाइव डिजिट और सिक्स डिजिट नंबर थ्री कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा The smallest three digit perfect square number is 100, which is the square of 10, and the greatest three digit perfect square is 961, which is the square of 31. The smallest four digit number is 1024, which is the square of 32, and the greatest four digit number is 9801, which is the square of 99. Can we say that if a perfect square is of n digits, then its square root will have एन बाई टू डिजिट्स इफ एन इज इवन और एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ऑड ध्यान से देखो द यूज ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज यूजफुल इन द फॉलोइंग मेथड्स मेथडर द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फाइव ट्वेंटी बार ओवर अच्छा ये देख लो स्टेप्स कैसे करते हैं सबसे पहले बार लगा देते हैं ट्वेंटी नाइन के ऊपर फिर फाइव के ऊपर फिर हम देखते हैं कि फाइव किसके स्क्वायर और किसके स्क्वायर के बीच में आता है तो हमने देखा फाइव टू और थ्री के बीच में आता है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया टू 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 जो फोर फाइव में से फोर माइनस किया वन आ गया वन के बाद हमने दो नंबर उतार लिए ट्वेंटी नाइन फिर हमने क्या किया टू का डबल कर दिया डबल द डिवाइजर इन एंटर इट विद द ब्लैंक ऑन इट्स राइट उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैंक डाल दिया यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालना है जो इसी से मल्टीप्लाई हो तो वन ट्वेंटी नाइन आए

तो तुम्हारे सामने ऑप्शन होता है या तो फोर्टी थ्री इंटू थ्री या तो फोर्टी सेवन इंटू सेवन लिखते तुम अब तुम ध्यान से देखो बेटा वन ट्वेंटी नाइन है सेवन फोर जा कितना होता है जो भी तुम यहाँ नंबर लिखोगे उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो सेवन फोर 28 ट्वेंटी एट यहाँ तो ट्वेल्व है तो थ्री तो आएगा थ्री फोर जी ट्वेल्व नहीं आया समझ में आ, अगले में देखो जैसे क्या है अगले में क्या है फोर नाइनटी सिक्स सिक्स का डबल कर दिया ट्वेल्व अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे क्या आएगा या तो 124 आएगा या तो 126 आएगा ठीक है अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है 48 एट यहाँ पर फोर्टी दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे समझ में आएगी नहीं yes, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तुम्हारे हिसाब से तो 6 12 जा कितना होता है 72 टू यहाँ पर तो 49 है या सिक्स वन जया सिक्स होता है यहाँ पे फोर है ऐसे देख लो तो इसकी ट्रिक यही है सेवन ट्वेंटी नाइन देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या करता यहाँ पे अगर मैं थ्री लिखता मान लो तो थ्री जा कितना होता है ट्वेल्व पर यहाँ पे नंबर कितना है थर्टी टू तो थ्री तो होगा नहीं सेवन होगा समझ में आ रहे और तुम्हें तो स्क्वायर याद है यार इसमें ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो तुम्हें याद ही नहीं होगा मुझे बताओ <laughs> मैंने तुम्हें हंड्रेड तक याद करा दिए हैं याद है कि नहीं सर तो आपने ट्रिक बताइए याद मैंने नहीं पूरे तरीके से नहीं मैं क्या बोल रहे हो आपने हमें ट्रिक बताइए अरे मतलब ट्रिक से ही भी तो निकल ही जाएगा ना हां सर भी ठीक है फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इसको इस क्वेश्चन को ढूंढते इस हैं इसको करते हैं फाइन द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं दो तरीके सबसे पहला तरीका है अनविता आप हो ना क्लास में सबसे पहला तरीका है नाइन 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 लिख लिया हमने ठीक है इसकी पेयरिंग कर देते हैं मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ क्या नंबर लिखा जाएगा किसका स्क्वायर नाइन्टी नाइन से कम है बोलो बट्टा किसका स्क्वायर नाइनटी नाइन से कम है नाइन नाइन का नाइन नाइन एटी वन घटा दो कितना बन गया एटीन नाइनटी नाइन नाइन का डबल कर दो एटीन मुझे बताओ यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाएगा सिक्स सिक्स लिखा जाएगा नहीं सर देखो ध्यान से मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं हम लोग यहां से दो डिजिट गायब कर दो यहां से भी दो डिजिट गायब कर दो यहाँ क्या बच गया एटीन एटीन को वन से डिवाइड करोगे तो, तो क्या आएगा एटीन को वन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा एटीन आएगा एटीन लिख सकते हैं क्या वहां पे नहीं लिख सकते सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं नाइन तो नाइन आ गया एटी वन का वन एट कैरी नाइन एट सेवेंटी टू प्लस एट एट्टी का जीरो एट कैरी नाइन वन एट सेवनटीन तो नाइन में से वन गए so, बच गया जीरो अबे रुक जाओ भैया खत्म हो गया है सवाल खत्म हो चुका है अभी ध्यान से समझो पहले उसने बोला फाइंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर यानी ये एक्स्ट्रा रिमाइंडर है दिस इज द एक्स्ट्रा रिमाइंडर जो नहीं होना चाहिए था क्यों नहीं होना चाहिए था अगर ये नहीं होता 198 तो हमारा स्क्वायर बन जाता कि नहीं बन जाता यस yes, सर यानी कि 9999 में से मैं 198 माइनस कर दूं तो 98. 9 में से 8 गए 1 9 में से 9 गए 0 9 में से 1 गए 8 9 का 9 तो हाईएस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज नाइन एट जीरो वन बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा yes, sir. अगर समझ में आ गया तो मुझे बताओ बच्चों हाइएस्ट फाइव ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर फटाफट से निकालो फटाफट फड़ से लिखो पांच नाइन पेयरिंग करो और स्क्वायर रूट निकालो और मुझे बताओ कितना एक्स्ट्रा आया और उसको इसमें से घटाओ और फिर फटाफट फड़ से निकालो मैं आप सबको टाइम दे रहा हूं तीन मिनट अनविता बेटा समझ में आया क्या करना है आपको इस बार यस सर बोल दो बेटा बोलो समझ में आया यार यू डिड ऑलरेडी ओके तो ये वाला करो बेटा हाईएस्ट फाइव डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर कबीर और विहान ये क्वेश्चन कर लो ये सर कर ये तो तुम अब लिख ही लो नाइन 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 मैं और देखता हूँ बुक में क्या बचा है बोलो बेटा यू नीड टू गो आउट ओके सो आई एम एंडिंग दिस क्लास नाउ Yes वरी ठीक है इसका क्वेश्चन होमवर्क हो गया और एक्सरसाइज ये जो sir, तो, अच्छा ठीक है वेरी गुड